हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर गेहूं गांव में अपशिष्ट खाने से 9 बकरियों की अकाल मौत। नगर से सटे गेहूं गांव में स्थित कचरा डंपिंग स्टेशन अपशिष्ट पदार्थ के सेवन से 4 बकरियों की मौत हो गई। गत 4 अप्रैल को ग्राम वासियों और नगर परिषद बाड़मेर के बीच अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं रावत त्रिभुवन सिंह की उपस्थिति में लिखित समझौता हुआ था, जिसके तहत अब किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे जोगाराम मेघवाल की 5 एवं भीम सिंह सोलंकी की 4 बकरियां अपशिष्ट खाने से मर गईं। आक्रोश के चलते ग्रामीणों ने यहां कचरा लाने वाली गाड़ियों को रुकवा रखा है। बाड़मेर शहर का कचरा गाड़ियों से गेहूं रोड की तरफ खुले में डालकर आने वाली गाड़ियां अब रोक दी गई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले अप्रैल महीने में धरना प्रदर्शन करने के बाद नगर परिषद के आला अधिकारी व प्रशासन ने बैठकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया था। बाड़मेर के रावत त्रिभुवन सिंह व बाड़मेर आगौर के प्रवीण सिंह महेचा, गेहूं के सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद धरना उठाया गया है। काफी समय से लगातार नगर परिषद के कर्मचारी गेहूं गांव के क्षेत्र में ग्रामीण जैसे की तरह चाचा डालकर नई का सिलसिला जारी है। आज ग्रामीणों ने नगर परिषद के वाहनों को रोककर नगर परिषद के अधिकारियों से बात करने को कहा है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।